देखिए आज की जो वीडियो है ये बड़ी अहम वीडियो है। आप अपने टूल्स को किस तरह से जोड़ना खोलना सीखें। अगर पीपीआर हीटर का प्यार है, फर्ज के ये पीपीआर का हीटर है, ठीक है, जिसके मतलब आपको बता चुके हैं, तो आपके ये डाई लगी हुई है यहाँ पर, आप गर्म हो गया, ठीक है, आपको पता है कि ये दो चार मिनट में गर्म हो जाएगा, यहाँ इंडिकेटर इसका ऑन ऑफ होगा, आप करेंगे, ठीक है, 10-15 सेकंड पकड़ के रखेंगे, कूलिंग लग जाएगी। लेकिन आपने जोड़ना कैसे है, हम ये चीज़ देखते हैं। अब हमारे पास ये देखें, ये पाइप है 25 mm का और ये फिटिंग पड़ी है 25 mm, और फिर हमें एल की चाहिए 6 mm, ये हमारे पास एल की, ठीक है, एल एल। अब देखें ये आपकी जो डाई है पीपीआर हीटर की, ये 63 mm की है और ये 50 mm की है, ये 32 mm की है, ये नट बोल्ट है, इन सब में फिट हो सकता है, ये 25 mm और ये 20 mm। पीपीआर की जो फिटिंग और पाइप है ये 20 mm से ही शुरू होता है, इससे नीचे नहीं। अभी देखो क्या आपने ऐसे करना है कि ये 25 mm की फिटिंग यहाँ पीपीआर में जोड़ सकते हो, ये लगाएं ये वाली फिटिंग इस जगह पर। अभी देखें ये आपके सामने ये लटका ये जोड़ता है इसको, फिटिंग को ये पकड़ें, ये जोड़ सकता है 25 mm की जो डाई है ये जोड़ी जाएगी, और ये नहीं एलपी का इस्तेमाल करें और ये टाइट करें इसको, नट बोल्ट लगाएं। इसी तरह आपने एलपी में ये लगाना है डाई, एक तरफ आपका है ये और दूसरी तरफ आपकी वो फिटिंग का एक तरफ पाइप का आपने लगाना है, तो और ठीक है बैठ, अच्छा ये जुड़ गया, ठीक है जी, ये आपकी फिटिंग हो गई है इसमें। अब जब आप इसको पीपीआर के हीटर को गर्म करेंगे, बिजली में लगाएंगे, तो ये देखें ये इसके इंडिकेटर हैं, पहले ये सबज इंडिकेटर जलता है, फिर ये जब बंद होगा 2-3-4 मिनट के बाद ये जलेगा, ये प्रॉपरली गर्म हो जाता है। टेम्परेचर आप 250 से 300 डिग्री तक रखते हैं तो फिर आप प्रॉपर जो मेथड है, जो वीडियो हम पहले बना भी चुके हैं, तो उस तरीके से पीपीआर का जॉइंट लगाया जाता है। अभी ये बताना मकसूद था कि ये डाइस जो हैं आप किस तरह से लगाते हैं 6 mm की एलपी के साथ, ठीक है, और ये नट बोर्ड भी इसमें लगाएं, ये नट बोर्ड इसका यहाँ पर लगा इस जगह, ठीक है, ये देखिए ये है, ये आपका ये यहाँ पर नट बोर्ड लग जाएगा, ठीक, ये लग, ये आपका नट बोर्ड, तो ये चीज़ है जो आपने करना। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, मुझे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।